हे गाइस, सो क्या चल रहा है मेरे भाइयों। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एकदम नए और फ्रेश एपिसोड में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं भाई अपने कासल के अंदर कुछ खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ। मतलब सही में एक खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने बहुत टाइम पहले एक बहुत बड़ा सा कासल बनाया था, पर कासल के अंदर जो सबसे जरूरी चीज होती है वो मैंने बनाई नहीं। हमने भाई अपने कासल के अंदर सिंहासन बनाया नहीं। तो जैसे कि आप सबको पता है, हर एक कासल के अंदर, मतलब जो भी महल होता है उसके अंदर भाई एक सिंहासन तो जरूर होता है। तो आज हम लोग वही काम करने वाले हैं। आज हम लोग अपने प्यारे से बड़े से कासल के अंदर एक बहुत बड़ा सा और एक खतरनाक सा कासल बनाएंगे। मतलब बहुत मजा आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो और वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। एंड साथ ही साथ तुम्हारा भाई डेली 5 बजे लोको ऐप पे स्ट्रीम करता है। तो आप लोग को भाई साइड में यूजर नेम दिख रहा होगा, लोको ऐप पे आओ। वहां पे मैं भाई आजकल सीओडी और अमंग अस खेल रहा हूं, फ्री फायर भी खेलता हूं। तो 5 बजे वहां पे मुझे जरूर मिलना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द Q&A आने वाला है, या फिर मैं लाइव में बात भी कर सकता हूं। तो दोनों जगह फॉलो कर लो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं भाई कासल के अंदर। मैं कासल की आप लोग को हालत दिखा देता हूं। तो पहले ये है अपना बड़ा सा कासल, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया था। सही में देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है। तो मैंने इसके अंदर, मतलब ये बड़ा सा तो बना दिया, पर इसके अंदर मैंने कोई भी चीज नहीं बनाई। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने कासल को धीरे धीरे पूरा अपग्रेड कर दूं, मतलब हर एक चीज अपग्रेड करो। तो सबसे पहले आज हम लोग सिंहासन बनाएंगे एक बहुत बड़ा सा। तो अंदर मैंने थोड़ा तोड़ा ताड़ी कर दिया, मतलब मजदूरों वाला काम मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी चीज बनाने से पहले हम लोग को तोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही देखो तोड़ रखा है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों यार फालतू में टाइम वेस्ट करूँ मैं थोड़ ताड़ के। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ये चीज़ें तोड़ रखी हैं। यहाँ से कारपेट भी हटा दिया था। एंड यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा सिंहासन बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सिंहासन देख के आपको। तो मैं फटाफट से पहले इन सारी चीज़ों को भी तोड़ देता हूँ, मतलब बेड वगैरह भी यहाँ से हटा देता हूँ, और जितना भी सामान है सारा चेस्ट में ले जाके रख देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इनकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। मुझे कारपेट भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि कारपेट बाद में हम लोग को लगाना है। एंड रेड कारपेट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो महल वहल के अंदर रेड कारपेट ही ज़्यादा होते हैं। तो हमने भी पूरा महल बना रखा है भाई, बहुत तगड़ा सा। तो जल्दी जल्दी से मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने अपने कासल के अंदर काफ़ी कुछ तोड़ दिया। यहाँ पे बेड था, पीछे यहाँ पे भाई मैग्मा के ब्लॉक लगे हुए थे, ग्लास लगा हुआ था, सब कुछ मैंने यहाँ तोड़ दिया। ऊपर के साइड भी आप लोग देख रहे हो, ऊपर के साइड भी मैंने काफ़ी कुछ तोड़ दिया। यहाँ से मैं स्टोन हटा देता हूँ। ये टॉर्च वगैरह भी मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी बहुत अच्छे से इसे बनाने वाला हूँ। एंड इस वाली वॉल को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा। टॉर्च मैं सारी यहाँ से इकट्ठी कर लेता हूँ। एंड इसको तोड़ने के बाद ना, इधर भाई बहुत ज़्यादा क्रीपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं। तो इसीलिए मुझे साइड साइड में बहुत सारी टॉर्चेस लगानी पड़ेंगी, जिससे वो यहाँ पे स्पॉन ना हो और मुझे आराम से काम करने दे। तो फटाफट से मैं अपने, मतलब सिंहासन का भाई स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ। और मुझे लगता है आज मुझे नेदर में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नेदर से भी कुछ चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। एक मिनट रुको, टॉर्च मैं यहाँ लगा देता हूँ, कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो गया, और अंधेरा होते ही आपको पता है भाई कौन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ लगा देता हूँ, जिससे मैं आगे काम कर सकूँ। तो मैंने सारी टॉर्चें लगा दिए। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि मुझे सिंहासन बनाना कहाँ है, मतलब बीचों बीच बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगेगा। एक मिनट रुको। ओके, तो यहाँ गेट से जब हम एंटर करेंगे, तो ये जो ये वाला सामने आपको पिलर दिख रहा है, इसके सामने हमें बनाना चाहिए सिंहासन, तो यहाँ पर बनाएंगे। तो उससे पहले मुझे रफ स्ट्रक्चर बनाना है, मैं चेयर टाइप की बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी ये बिल्कुल भी सिंहासन जैसा नहीं लग रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है जो कार वार की ट्रक व्रक की सीट नहीं होती, बिल्कुल वैसा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे स्टेयर्स लगानी पड़ेंगी। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये प्लैंक्स को हटा के स्टेयर्स ही यहाँ पे लगा के देखें। और देख रहे हो कितना ज़्यादा ज़ॉम्बी वगैरह की आवाज़ आ रही है, मतलब यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ी सी केव थी, केव के ऊपर ही मैंने कासल बना दिया है। एक मिनट रुको। ओके, तो ये हमारा रफ स्ट्रक्चर बन चुका है हमारे सिंहासन का। और अभी तो मतलब ये बहुत छोटा लग रहा है, अभी बहुत बड़ा सा सिंहासन बनेगा, मतलब सही में बहुत बड़ा सा। आपको देखकर भी मज़ा आ जाएगा, और इस कासल की मतलब शोभा बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे यार इसमें। तो उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा भाई नेदर में। नेदर से मैं थोड़ा सा सामान लेके आने वाला हूँ, देखते हैं हम लोग को क्या क्या वहाँ से सामान मिलता है। तो खाने वाने का सामान हम लोगों ने ले लिया, तो फटाफट से चलते हैं। एंड मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का भाई चेस्ट भी रख लिया, तो गोल्ड का चेस्ट फटाफट से यहाँ से लगा लेता हूँ। और बाकी मैं सारा सामान यहाँ से निकाल दूंगा, जिससे अगर वहाँ पर मौत हो जाती है तो मेरा कोई भी सामान वहाँ पर रहेगा नहीं। तो फटाफट से अंदर चलते हैं, उसके बाद अपन लोग नेदर में चलते हैं। आज बहुत दिन बाद नेदर में जाने वाले हैं। तो कौन सी चेस्ट मेरी खाली पड़ी है मुझे देखना पड़ेगा, कि ये वाली चेस्ट खाली है। तो इस वाली चेस्ट में मैं सारा सामान यहाँ से उठा के रख देता हूँ।
प्लैंक्स को और स्टोन को अपने साथ में लेके जाने वाला हूँ। स्टोन की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, इसको साथ में ले जाऊँगा। इसको यहाँ हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो। इतने सारे चीज़ को साथ में लेके जाऊँगा। खाना मैंने कहाँ रख दिया? खाना 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 मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। बाकी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से हम लोग यहाँ से चलते हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। शील्ड में अगर मिल जाए तो शील्ड मिल, शील्ड क्या है मेरी, शील्ड अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक मिनट रुको, ये रही शील्ड। तो अब फटाफट से अपन लोग नेदर में निकलते हैं। और मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? नेदर तो हमारा ऊपर के साइड है। फटाफट से नेदर से लेके आते हैं अपने को, देखते हैं क्या क्या चीज़ मिल जाती है नेदर में। क्योंकि मैं सिर्फ अभी 2 बार ही गया हूँ और दोनों बार मतलब मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। ओके, तो फाइनली हम लोग नेदर के अंदर जाने वाले हैं बहुत दिन बाद। होगी तो गाइस हम लोग नेदर में आ चुके हैं। और इस बार बहुत अलग जगह नहीं आया, नहीं, वही जगह पे आए हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पूरे में टॉर्च वगैरह लगा दी थी। एंड एक वहाँ से देखो पिग टाइप का कोई आ रहा है मुझे मारने। आ जा बेटा, अगर इसने मुझे मारा ना तो भाई मैं इसको बहुत गंदा मारने वाला हूँ। एंड मैं क्या क्या चीज़ यहाँ से लेके जाऊँ? एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ही कलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ जाके देखेंगे ये क्या चीज़ है। अरे यार ये तो सैंड है, सैंड का क्या करूँगा मैं? सैंड नहीं चाहिए मेरे को, सैंड नहीं चाहिए मेरे को, सैंड नहीं चाहिए। ओके एक मिनट, पिग है ये तो, पिग। ओके पिछली बार मैं यहाँ पे आके माइनिंग करके गया था। एक सेकेंड रुको, एक मिनट, ये क्या चीज़ है? नैदर रैक, ये ले चलते हैं, नैदर रैक ले चलते हैं, शायद काम में आ जाए हमारे कुछ सिंहासन बनाने के। फटाफट से मैं माइनिंग कर लेता हूँ, वो भी चाहिए मेरे को। नैदर कर्ट्स, शायद नैदर कर्ट्स थे, पता नहीं क्या थे, वो मुझे चाहिए। क्योंकि मुझे वाइट वाला स्टोन बनाना, मतलब वाइट वाले ब्लॉक बनाने, तो मुझे वो भी चाहिए। उसके लिए मुझे शायद ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए, एक मिनट रुको, मैं स्टोन लगा लेता हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारे स्टोन लेके आया हूँ। एक मिनट रुको, कहाँ से लगाऊँ? यहाँ से लगाते हैं। बिल्कुल सही एकदम। ओके मेरे सामने भी बहुत सारे हैं, फटाफट से चलते हैं। ओके हम लोग ऊपर आ चुके हैं, फटाफट से इसको कलेक्ट करो। बहुत सही, बहुत सारे हैं यार एक ही जगह। जितना भी सामान मिल रहा है ना बस लेके चल लो भाई, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ नहीं आने वाले हैं। अरे यार वही रह गए, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा कलेक्ट करने। एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा लो, अंदर चलो सारे ले लो। एक मिनट रुको, ये क्या है यहाँ पे? शायद ये मेरे को गोल्ड के ब्लॉक लग रहे हैं, शायद गोल्ड के ब्लॉक है ये। ओए नीचे गिर गया क्या ये? एक मिनट रुको, हाँ नीचे गिर गया यार, नीचे गिर गया वो, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। शिट शिट, एक मिनट रुको, और यहाँ पे और हैं क्या? इधर तो है नहीं। एक मिनट रुको, वहाँ पे है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, साइड जाने के लिए मैं किधर से आया था? ऊपर यहाँ से आया था मैं। इसको फटाफट यहाँ से तोड़ो। अब फटाफट से हम लोग नीचे चलते हैं। ओके तो बाकी मुझे ढूंढना पड़ेगा जो मैंने ऊपर एक ब्लॉक तोड़ा था वो कहाँ पे गया। नीचे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, पर यार यहाँ पे ढूंढने से अच्छा है मैं थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ। एंड मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, कोई मेरे पर अटैक ना कर दे, ना ये पिग भी अटैक ना कर दे मेरे पर। ओके ये मेरे पर अटैक नहीं कर रहा, बहुत सही। ओबे ओबे ओबे, इसके पीछे भी रुको एक मिनट। अबे आग कैसी है यार ये? मेरे को मिलने मज़ा आ जाएगा। ये चीज़ सही है यार नेदर में, यार एक ही जगह पे काफ़ी सारे मिल जा रहे हैं, ये चीज़ सही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। एंड जो इसकी पेक की आवाज़ है ना यार बहुत ही खतरनाक है। ये क्या चीज़ है? चलो ये भी ले ली, जो भी चीज़ है देख लेंगे भाई, चल के घर चल के देख लेंगे क्या क्या चीज़ अपने को मिली है। खाना खा लूँ क्या मैं? ओके खाना नहीं खाना भाई, इतनी डरावनी आवाज़ आई ना, ऐसा लगता है हॉरर मूवी वाली आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल वैसी आवाज़ें आने लगती हैं। तो मैं नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि नीचे जाना भाई बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको सैंड को ले चलता हूँ।
क्या पता ये सैंड भी थोड़ा बहुत हमारे काम आ जाए। ये वाली सैंड को लेके ही चलता हूँ अपने साथ, क्या पता मेरी सैंड भी काम आ जाए, क्योंकि अभी मुझे, अरे भाई मैं नीचे गिर जाता। शवल मैं लेके आया नहीं, नहीं तो सैंड जल्दी जल्दी कलेक्ट हो जाती। ओके सैंड कितनी हो गई, 11 सेंट हो चुकी है, थोड़ी सी और ले लेते हैं। फटाफट से आगे की साइड चल के देखते हैं कुछ और यहाँ पे मिलता है क्या। यहाँ मैंने पूरे में देख लो, अभी ये मैंने स्टोन लगाया था, कैसा हो गया ये स्टोन। अब इसका अलग ही रंग ही चेंज हो गया, मैंने लगाया था ये स्टोन जब मैं आया था पिछली बार, बहुत अलग हो गया यार ये तो। ऐसा कैसे हो गया है नेदर में यार ये, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग को पता है कि नेदर में हमारे स्टोन का कलर कैसे चेंज हो गया, मतलब पूरा ही चेंज हो गया है। तो पिछली बार जब मैं आया था मैंने पूरे में शायद लगाया था इसको। ओ तेरी भाई, बहुत ही गंदी तरीके से मैं नीचे गिरा हूँ। ओके मेरा नेदर पोर्टल किस साइड है मेरे को देखना पड़ेगा। एंड मैंने टॉर्चेस लगाई थी जिधर भी मैं आया था उस साइड मैंने टॉर्च लगाई थी। मिनट रुको, खाना खा लूँ पहले मैं। ओके नहीं नहीं मेरा स्टोन नहीं है वो, मेरे स्टोन जो लगाया था वो तो ये रहा। ये क्या चीज़ है, आजा 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 आजा, ये ले, गया गया गया, काम करने नहीं देगा कोई भी इसको, मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। इसका क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, पर इसको लेके चलते हैं। ये क्या है, ओके सब सेम ही है, ये देख रहे हो मैंने ही लगाई सारी की सारी टॉर्चेस, मुझे और भी टॉर्च लेके आनी चाहिए थी, मैं इतनी टॉर्च यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ नया ताज़ा तो यहाँ दिख नहीं रहा, सब एक ही जैसा है यार, सारा का सारा एक ही जैसा चीज़ है यहाँ पे, कुछ मुझे इतना खास तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो गाइस मुझे थोड़ा सा और नेदर कर्ट शायद दिख गए, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पे गोल गोल बना के, और इधर नीचे भी हैं तो नीचे वाले भी लूँगा। पहले मैं इधर के कलेक्ट कर लेता हूँ, देख लो कितनी खतरनाक जगह जा रहा हूँ मैं। और स्टोन और लेके आने चाहिए थे यार मुझे। ओके यहाँ कलेक्ट करते हैं सारे के सारे। अब यार किससे तोड़ रहा हूँ मैं, रोने की देख लो आवाज़ कितनी खतरनाक आ रही है। ये वही है जो बलून जैसा होता है जो उड़ उड़ के मारता भाई, आग वाग फेंकता रहता है। ओके सामने भी है मेरे, तो काम कर दो आराम से यहाँ से लेके जाता हूँ। ओके ये थोड़ा अलग लग रहा है, क्या चीज़ है, अबे ये मेरे को मिल ही नहीं रहे शायद, ये मेरे को मिल ही नहीं रहे पता नहीं। अच्छा अच्छा मिल रहे गोल्ड मेरे को मिल रहा है, ये गोल्ड नगेट है। ओके मेरे को ये भी मिल रहे हैं, बहुत सही, गोल्ड की तो मुझे ज़रूरत थी, बहुत सही मेरे को मिल गया, काफ़ी सारे 41 मिल चुके हैं यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं किया, तो नीचे कलेक्ट होते जा रहे हैं मैंने ध्यान ही नहीं किया। ओके बाकी देख लो कितना ऊपर तक है, वहाँ तक अगर मेरे को जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा वहाँ तक भी। ओके यहाँ सब ख़त्म, एंड अब मुझे वापस जाना चाहिए। बुझा आग भाई, मेरा सारा का सारा स्टोन मुझे वापस चाहिए भाई, कितनी ऊपर ऊपर होते हैं यार। अच्छा एक रह गया, एक रह गया, एक रह गया यहाँ पे, अबे वहाँ तो काफ़ी सारे हैं यार, मुझे लेने पड़ेंगे अंदर जाके। ओके हो गया हो गया हो गया, बाहर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओबे अभी मैं नीचे गिर जाता,
अबे मैं बहुत नीचे से आया हूँ यार। एक मिनट रुको, मैं सब कलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट जंप करूँ, पर जंप करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं अभी ब्रिज टाइप का बना लूँ और डायरेक्ट वहाँ तक जाऊँ, ये ज़्यादा अक्लमंद वाली चीज़ रहेगी। ओके तो मैं नीचे आ चुका हूँ एंड अभी मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे हो चुके हैं। ज़्यादा लालच करना भी सही नहीं रहेगा। एक मिनट रुको यार, नीचे कुछ मुझे अलग दिखाई दे रही है, ये थोड़े स्टोन थोड़े अलग से लग रहे हैं मेरे को। स्टोन पता नहीं क्या चीज़ है, स्टोन बोल देता हूँ मैं, पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी थोड़ी अलग से लग रही है। ओके नीचे से ही कलेक्ट कर लो, ऊपर तक हमारी पहुँच नहीं है। ये क्या चीज़ है, वेस्टल पता नहीं क्या चीज़, अरे वो ये क्या चीज़ है पता नहीं, जो भी है मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ। पर मुझे नहीं पता बाकी नेदर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है, आप लोग मुझे बताना, मैं अगली बार आऊँगा फिर से लेके जाऊँगा। अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को मिली है उसको लेकर। ओके तो गाइस मुझे थोड़ा सा और नेदर कर्ट्स मिल गया था तो मैंने वो भी कलेक्ट कर लिया। अभी फटाफट से हम लोग अपने घर में वापस चलते हैं। अबे भाई घर लेके चलो वापस यार, कहाँ देख रहे हो, मुझे लगा वापस ही नहीं आ पाऊँगा। ओके तो गाइस मैं वापस आ चुका और वापस आके तो अलग ही मज़ा आता है। तो अभी फटाफट से अपन लोग नीचे चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा देर मतलब अपन लोग नैदर में रहे, पहली बार इतनी देर नैदर में रहे। तो मुझे काफ़ी कुछ सामान वहाँ से मिल चुका है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मेरे को ये नैदर की रैक मिला है और बाकी ये पता नहीं सोल, ये इससे क्या होता है पता नहीं, जो भी चीज़ होती है फटाफट से हम लोग इन्हें नीचे लेके चलते हैं। फट अभी मेरे घर में घूम रहे हैं, देख रहे हो हद है इनकी। तो सबसे पहले तो जो मुझे नैदर, ये नैदर कर्ड्स मिले हैं इसका मैं फटाफट से बना देता हूँ भाई। ओके जितने भी बन रहे हैं फटाफट से सारे के सारे बनाऊंगा मैं। ओके 11 इसमें रख दिए। चौदह 15 16 17 18 हो गया। ओके तो कहीं से मैं 20 ब्लॉक मिले हैं, नेदर कॉर्ड्स के ब्लॉक मिले हैं, बाकी इन सब से भी कुछ हो सकता है क्या? ओके इन सब से हम लोग को इस तरीके के ब्लॉक मिल सकते हैं, ये काफ़ी सही लग रहे हैं। ये नॉर्मल वाले पॉलिश वाले हैं तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ये भी हमारे कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। ओके ये तीन ही है तो इससे काम नहीं बनेगा, बाकी ख़त्म कर दे। एक सेकंड निको, जो हम लोग ये नैदर रैक लेके आए इससे भी क्या ब्लॉक बनते हैं? नहीं, इसके ब्लॉक नहीं बनते, तो इसको हटा दो। ओके तुम्हारा पॉलिश हो गया है, पॉलिश पॉलिश हमारे पास ये भी हो चुके हैं एंड ये भी नैदर रैक भी हो चुके हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। अभी फटाफट से हम लोग अपने सिंहासन का काम स्टार्ट कर दे। एक मिनट रुको, इससे भी मैं बना के देख लेता हूँ कुछ, अगर इससे बन जाता है। ओके तो हम लोग इससे गोल्ड के बना सकते हैं, बहुत सही, गोल्ड के इंगेट बना सकते हैं बहुत से। एक और बनेगा क्या, इसकी मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। ओके तीन बन गए, इससे भी काम अपना हो गया, इसे हटा दो, ये बाद में काम आ जाएंगे। एंड अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने सिंहासन का काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले ना इसमें गोल्ड और डायमंड सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, गोल्ड डायमंड भी यूज़ करूँगा एंड जो भी मैं नेदर से सामान ले गया है वो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। हट इधर से निकल, तू काम के बीच में डिस्टर्ब करने आ जाते हैं लोग, देखो अभी तेरे बस की नहीं, चल निकल यहाँ से। ओके इसको मैंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं गोल्ड डायमंड यूज़ करने वाला हूँ, जो नेदर से चीज़ें लेके आया वो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ गोल्ड, तो मैं फटाफट से इसको हटा देता हूँ। ओके मेरी एक्स का आ गई डायमंड एक्स, मुझे लगता है डायमंड एक्स मैंने कहीं पर अपनी गिरा दी है भाई जल्दबाजी के चक्कर में, हो सकता है नैदर में एक छूट गई हो तो पता नहीं। चलो अभी तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा गोल्ड एंड डायमंड, सिंहासन के स्टार्टिंग में गोल्ड और डायमंड लगा दूंगा। मेरे पास वैसे गोल्ड तो है, डायमंड भी मेरे पास है, पहले ऐसा करता हूँ मैं पहले सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद बनाना स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा। तो फटाफट से पहले मैं गोल्ड और डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ गोल्ड और डायमंड मेरे पास है या नहीं है। ओके ओके रुको रुको, ओके मेरे पास डायमंड तो यहाँ पे है, इसमें चेक करने दो इसमें क्या। ओके इसमें भी डायमंड रखा है, एक मिनट, इसमें मैग्मा के ब्लॉक भी रखे हो, इनको भी मैं ले लेता हूँ,
जो जो काम की चीज़ होंगी मैं सारी ले लूँगा। नेदर रैक तो इसमें भी पड़ी है, ये भी इसमें 8 पड़े हुए, मैं पहले भी गया था एक बार तो मैं इसलिए लेके आया हूँ। सैंड सोल इसी के अंदर रहने, तो इनकी मेरे को ज़रूरत नहीं, आयरन ब्लॉक की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑब्सीडियन मैं रख लेता हूँ, ऑब्सीडियन शायद काम में मेरे आ जाएँ कुछ ना कुछ, क्योंकि थोड़े अलग होता है इनका कलर। इसके अंदर कुछ काम की चीज़ है, इसमें लांटेन काम की है, ग्लो स्टोन काम का है, और मुझे कुछ मैग्मा के ब्लॉक इसमें है, इसमें बाद में ले लेंगे, चलो बाद में आके ले जाएंगे। इसमें क्या काम का, ओके इसमें मेरे पास गोल्ड मिल चुका है, तो गोल्ड को यहाँ पे रख दो। और इसमें कोई भी चीज़ मुझे काम की दिखाई नहीं दे रही है। इसके अंदर कुछ काम का है क्या, इसके अंदर भी कुछ भी काम का नहीं है। ओके तो कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर फटाफट से चलते हैं। तो मुझे फटाफट से गोल्ड और डायमंड लेके आना पड़ेगा, तो पहले मैं वो इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा सीक्रेट बेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और डायमंड मैंने रखा था, क्योंकि मैंने बीच में माइनिंग करी थी एंड माइनिंग के टाइम पे मेरे को काफ़ी सारा गोल्ड और डायमंड मिल गया था। तो मैं फटाफट से पहले उसको लेके रख लेता हूँ एंड उसके बाद अपने सिंहासन का काम स्टार्ट करता हूँ। ओके तो गाइज़ मैं काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और डायमंड लेके आ चुका हूँ, मतलब मेरे सीक्रेट बेस में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और डायमंड था एंड साथ ही साथ मेरे को एक फ्लिंट भी मिला है, फ्लिंट एंड स्टील भी मेरे को मिला है। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है, एक मिनट मैं आप लोग को दिखाता हूँ कितनी काम की होती है। इससे हम लोग कहीं पर भी आग जला सकते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। ये देखो तो इस ये भी मेरे पास मिल गया, तो मैं इसको भी लेके आ गया हूँ, ये मेरे काम आ सकता है। तो अब ये फटाफट से मेरे को ब्लॉक बनाने पड़ेंगे गोल्ड और डायमंड के जो मेरे पास है, देखता हूँ कितने ब्लॉक बनते हैं। जितने ब्लॉक बनेंगे इसी से हम लोग को काम चलाना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, इससे एक ब्लॉक बनेगा क्या, नहीं एक मिनट रुको, कितने, ओके तो इससे एक ब्लॉक बनता है, तो मुझे कुछ इस तरीके के रखने पड़ेंगे। जितने भी हैं मेरे पास सारे गोल्ड यूज़ करना होगा, क्योंकि सिंहासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, पर अभी मैं फटाफट उसको बनाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ मैं। पाँच पाँच ही छः रख देता हूँ, ओके 8 ब्लॉक बना लेता हूँ, 8 बन जाएंगे। तो ओके 8 नहीं बन पाएंगे मेरे ख्याल से, 6 ही बनेंगे। ओके तो 7 ब्लॉक बने यहाँ पे एंड डायमंड मेरे पास कितना है, डायमंड भी मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुको, डायमंड के ब्लॉक बन जाएंगे क्या, तो मैं डायरेक्ट यहीं से ना बना लूँ जितने बनेंगे मेरे पास। ओके डायमंड के हमारे पास 10 ब्लॉक बन गए, क्योंकि डायमंड मेरे पास ज़्यादा है, तो डायमंड के 10 ब्लॉक बने हैं और मेरे पास गोल्ड के बने हैं भाई 7 ब्लॉक। तो इतने से मेरा काम चल जाएगा, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं भाई, काम स्टार्ट करते हैं एंड मेरे को भाई बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना है। ओके अभी कोई यहाँ आया तो नहीं, कोई भी नहीं आया, चलो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मेरा भाई ये सिंहासन बनना है ना, वो कम से कम इतना ऊपर जाएगा, वहाँ तक वो देख रहे हो, वहाँ तक इतना ऊपर जाएगा, इतना बढ़िया बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से इसका काम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे को यहाँ पे इसे तोड़ना पड़ेगा। और मेरे पास यार एक्स है ही नहीं, डायमंड एक्स मेरे पास पड़ी तो मुझे लेके आनी चाहिए थी। एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे लगाना है डायमंड के जो सॉरी गोल्ड के ब्लॉक है वो लगाना है। वैसे मैं डायमंड के लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास डायमंड ज़्यादा है गोल्ड कम है। एक काम करते हैं, दोनों को बीच बीच में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा सही लगेगा उसको लगा देंगे। फटाफट से मैं इसको लगाता हूँ। ओके तो गाइस मैंने यहाँ तक पूरे प्लैंक तोड़ दिया, फटाफट से मैं यहाँ पर गोल्ड लगा देता हूँ। मेरे पास वैसे ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बीच में ग्लो स्टोन का भी यूज़ किया जाए कुछ इस तरीके से एंड इसके ऊपर लगाया जाए। और एक मिनट रुको, ओके तो मैं इसके ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सही। ओके तो कुछ काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है एंड अभी तो ये कुछ भी नहीं बना है, अभी तो मैं इसका शुरुआत कर रहा हूँ, अभी तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्यारा बने वाला है। तो गोल्ड मेरा जितना था वो खत्म हो चुका है एंड मेरे को अभी गोल्ड चाहिए होगा, तो आपको पता है कहाँ से लेके आना पड़ेगा, गोल्ड की फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, मतलब क्रिएटिव मोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं माइनिंग करने जाऊँ। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कल किया था, मतलब मज़ा आ गया यार कमेंट्स पढ़ के, कि भाई क्रिएटिव मोड का यूज़ करते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप बता देते हो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, और मैंने पीछे क्यों लगा दिया यार इसको, ओके तो हमारे पास एक और ब्लॉक है। ओके तो गाइस हम लोगों ने ये काम तो कर दिया एंड अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। एक सेकेंड, इधर भी मुझे ऐसे ही लगाना है, इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगने वाला है। अभी देख लो कितना नॉर्मल सा लग रहा है, एक लाइन और यहाँ पे बनानी है। मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये नेदर कर्ट्स भी भाई लेने पड़ेंगे क्रिएटिव मोड से, क्योंकि मेरे को बहुत कम मिले थे और सारे के सारे यहीं पे लग चुके हैं। ओके बहुत सही, एक अभी तीन अभी बचे हुए हैं, तो मैं फटाफट से इसको आधा कंप्लीट कर लेता हूँ।
ओके तो गाइज मैंने यहाँ पे तो नेदर कॉर्ड्स को लगा दिया एंड मैंने क्रिएटिव मोड से नेदर कॉर्ड्स की भाई स्टेयर्स भी लिए हैं एंड भाई नेदर कॉर्ड्स की मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिए हैं क्योंकि जो हमारा सिंहासन है उसमें भाई स्टेयर्स भी लगने वाली हैं। और यार देखो अभी मैं यहाँ पे और कोई ब्लॉक लगाऊंगा ना तो भाई ये जो इसका मज़ा है ना वो खत्म हो जाएगा, महंगा सा नहीं लगेगा सस्ता सा लगेगा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे भाई नेदर कॉर्ड्स क्योंकि मुझे मिले नहीं ज़्यादा, इसीलिए मेरे को यार क्रिएटिव मोड से लेने पड़ रहे हैं एंड अभी हम लोग दोबारा से नहीं जा सकते। इसके ऊपर भी मेरे को लगाना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ नॉर्मल स्टोन का, आ गया तो नॉर्मल वाले स्टोन का यूज़ करके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा एक मिनट। एंड मुझे यहाँ पे भी स्टेयर्स लगानी है कुछ इस तरीके से एंड इसके ऊपर मुझे फिर से ब्लॉक लगाना है। अरे यार ये क्या लगा दिया मैंने, एक सेकंड रुको, ब्लॉक इसको हटाओ, इसको ऊपर लेके जाना है कुछ आगे करके। ओके मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, एक मिनट इसे तोड़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा मुझे अपने कासल को। एक काम करता हूँ मैं फटाफट से इस चीज़ को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके तो गाइज मैंने अपने सिंहासन का काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर बना दिया है तो मैं आप लोग को फटाफट से दिखाता हूँ। सो गाइज ये है मेरे सिंहासन का स्ट्रक्चर एंड अभी आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा पर ये बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है एंड ऊपर तक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो आप लोग इसका एक बार साइज़ देखो, देख रहे हो मतलब ये रही यहाँ पे बैठने की मतलब गद्दी जो भी राज गद्दी होती यहाँ पे बैठने की एंड ऊपर तक देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। क्योंकि आप लोग को पता है जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ मतलब छोटी मोटी चीज़ तो मैं बनाता ही नहीं हूँ यार, जो भी चीज़ बनाता हूँ मतलब बड़ी और ख़तरनाक ही बनाता हूँ। तो अभी तो इसके और ऊपर एक और डिज़ाइन बनेगा जो और ज़्यादा मस्त लगेगा एंड इस वाले डिज़ाइन को बनाने में करीब मेरे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि दो या तीन बार मैंने इसे तोड़ा उसके बाद मैंने इसे बनाया क्योंकि ये ठीक से बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने स्टोन मतलब ये बाइक यहाँ पे हम लोगों ने ये वाइट वाले ब्लॉक लगाए जो हम लोग नेदर से लेके आए थे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे स्टेयर्स भी नेदर की ही मैंने इस ब्लॉक से बनाई है तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है वाइट कलर में। एंड पीछे के साइड मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं पीछे के साइड एक वॉल बना देता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ वॉल से पहले मैं नीचे कारपेट लगा देता हूँ साइड में, मतलब रेड कारपेट मैंने बहुत सारा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया क्योंकि अभी मैंने यहाँ से काफ़ी सारा रेड कारपेट निकाला था एंड मेरे पास पहले से भी रेड वूल था तो मैंने वहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं कारपेट बिछाने वाला हूँ क्योंकि रेड कारपेट होना ज़रूरी है भाई मतलब गद्दी के सामने, तो इसीलिए मैं ऐसे करके बिछाने वाला हूँ। इसको यहाँ से हटाओ, साइड से इसको भी हटा दो एंड उसी के साथ साथ अभी और भी बहुत सारा काम होना बाकी रह गया, मतलब सही में बहुत ही ज़्यादा मस्त बनने वाला है एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे बनाना है एंड मैं जो यहाँ से सोल सैंड लेके आया था उसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ उससे यहाँ पे मुझे आग जलानी चाहिए, मतलब यहाँ पे थोड़ी आग वाग जला के देखना चाहिए, थोड़ा बना के देखते हैं कैसा लग रहा है क्योंकि बना के नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बन कैसा रहा है। एक मिनट रुको, ओके तो थोड़ा मस्त लगना चाहिए। ओके तो मैंने यहाँ पे आग जला दी जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है और अभी यही नहीं अभी तो मैं बहुत ज़्यादा और आग जलाने वाला हूँ, मतलब सही में एक नंबर बनेगा यार, देखकर मज़ा आ जाएगा। मैंने बहुत तगड़ा मतलब आइडिया सोचा अपने दिमाग में, अगर वैसा बन गया ना सही में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये एक काम करते हैं मुझे यहाँ पे मैग्मा के ब्लॉक चाहिए हैं क्या, मैं लेके आया था मैग्मा वाले ब्लॉक काफ़ी सारे, इसको ऊपर रखो, इसको यहाँ से तोड़ो, यहाँ मैग्मा के ब्लॉक लगाओ। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसे यहाँ पे क्यों लगाया पर अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने यहाँ इसे क्यों लगाया। ओके और बाकी अगर आप लोग को यार थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ओके तो ये कुछ इस तरीके के लिए मैंने यहाँ से लगाया कि यहाँ पर कुछ ऐसे जले, बाकी अगर थोड़े बहुत चेंजेस मुझे करने होंगे ना तो मैं कर दूंगा बाद में। बहुत सही, तो आप लोग देख रहे हो डिज़ाइन पे नज़र डालो यार क्या सही लग रहा है। और अभी यही नहीं, अभी और रुको, अभी रुको ज़रा, अभी रुको, और भी मुझे बहुत कुछ करना है। एक मिनट रुको, हमें इसके ऊपर जाना है वहाँ तक तो उसके लिए मुझे यहाँ से प्लैंक यूज़ कर सकता हूँ मैं। एक मिनट ये हटाना पड़ेगा, प्लैंक से काम बन जाएगा मेरा। ओके मैं बराबर आ चुका हूँ तो यहाँ पे मैं एक मिनट रखो, मेरे पास जो यहाँ पे इसे यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, एक मिनट अभी यार हमें नीचे जाना पड़ेगा उसको लेने। एक मिनट रखो, ओके बहुत सही, तो इसको यहाँ रखो एंड इसको यहाँ चलाओ, इसको यहाँ चलाओ, ओके एकदम परफेक्ट जैसे मैंने सोचा था एंड अभी नीचे चलो। बहुत सही, तो
तो मैं आप लोग को दिखाता जाता हूँ, बनाते जाता हूँ और दिखाता जाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। एंड इसके साइड में मैं अभी रेड कलर की जो आग है, जो मैग्मा के ब्लॉक है, वो भी लगाने वाला हूँ। मतलब ओपी लगेंगे यार, बहुत ओपी। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, मैं नीचे आपको सिर्फ दिखाने आया था। एंड अभी ऊपर फिर से चलते हैं, एक से ही काम चल जाएगा यार। दो दो क्यों लगा रहा हूँ मैं, एक से ही काम चल जाएगा मेरा। ओके, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। एक मिनट यहाँ पे, और ये और ये। ओ भाई क्या सही लग रहा है, सही में बहुत तगड़ा डिज़ाइन लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग को कैसा लग रहा है, पर मेरे को तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरा प्लान सोच कर लिया था दिमाग में कैसा बनाना है। उसके बाद ही मैं इसे बना रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें अगर मुझे चेंज करनी होगी तो वो मैं साथ साथ चेंज कर दूंगा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और अभी बिल्कुल भी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है, अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रह गया है। तो ऐसा करता हूँ, फटाफट से मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। होगी तो गाइस, मैंने अपने सिंहासन का डिज़ाइन मतलब काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। मैंने आग भी अच्छे से जला लिया, मतलब मेघमा के ब्लॉक मैंने लगाए, एंड साथ में सोल सॉइल के ब्लॉक जो मैं नेदर से लेके आया था उसको भी लगाया, एंड साथ में मैंने ग्लो स्टोन का भी यूज़ किया है। और तीनों का यूज़ करने के बाद एक नंबर लग रहा है, मतलब मज़ा आ जाएगा देखकर। तो ये है भाई मेरे सिंहासन का डिज़ाइन, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब पहले कैसा लग रहा था और अभी देख रहे हो कैसा लग रहा है। तो मैंने बीच बीच में ग्लो स्टोन इसलिए लगाया क्योंकि इससे लगाने के बाद मेरा डिज़ाइन ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मैंने जो साइड साइड में यहाँ पे देखो आग जला रखी है दो दो कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो अभी हमारे सिंहासन का काफ़ी हद तक डिज़ाइन पूरा हो चुका है, एंड अभी सबसे मेन काम है नीचे कारपेट बिछाना, उसी के साथ ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं कारपेट भी बिछा देता हूँ, एंड साथ में रेड वुल ब्लॉक भी लगाने वाला हूँ। तो यहाँ यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ उनको। ओके, पीछे की साइड भी मैं लगा देता हूँ, तो पूरे में मुझे लगाने पड़ेंगे। और साइड में मैं वाइट के लगाने वाला हूँ, मतलब वाइट लगाऊंगा, रेड के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगेगा। तो डर्ट मुझे हटानी पड़ेगी, एंड पूरा का पूरा इन्वेंट्री मेरा भर चुका है, तो मैं डर्ट अभी कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। फटाफट से मैं लगा देता हूँ इसको। ओके, इधर तो हम लोग कारपेट का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसको यहाँ से हटा दो, इसको भी हटाओ। ओके, बहुत सही। एंड यहाँ हमें वाइट यूज़ करना है, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन तो यार एक नंबर लगता ही है। यहाँ से इसको हटा दो, इधर हटा दो, ये हटा दो। एक काम कर दो, फटाफट से मैं इसको भी बिछा देता हूँ पूरे में कारपेट को, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। होगी तो गाइस, मैंने अपने सिंहासन के सामने यहाँ पे कारपेट बिछा दिया, और ये देख रहे हो क्या डिज़ाइन लग रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो मैंने यहाँ नीचे आग जलाई है, यहाँ साइड साइड में मेरे को जलानी चाहिए, एंड मैंने नीचे भी दो जगह जला दिए। तो मैं ट्राई करता हूँ साइड साइड में भी अगर जल जाती है तो। एक यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, एक एक का गैप छोड़ के मैं यहाँ पे जलाने की कोशिश करता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, इसको जलाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा लगता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोशनी रहेगी, जितनी ज़्यादा ये आग जलेगी, उतना ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन आएगा। ओके, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। ओ भाई डिज़ाइन देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है, मतलब सही में बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन आ रहा है, बिल्कुल बाहुबली वाला सिंहासन लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको भी बीच बीच में लगा दे क्या, एक एक काम करते हैं, इसको इसको तोड़ते हैं, इसको आग को भिजाओ, इसको तोड़ो, इसको भी आग को भिजाओ, इसको भी तोड़ते हैं। एक मैग्मा का ब्लॉक लगा के देखते हैं साथ में दोनों को, एक एक ब्लॉक लगा के देखते हैं ज़्यादा सही क्या लग रहा है। एक यहाँ लगाते हैं, एंड एक मैग्मा का ब्लॉक, और फिर एक यहाँ लगाया, एक मैग्मा का ब्लॉक लगाया, और एक यहाँ। बहुत सही, सेम ऐसे ही लगा देते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे इसको लगाओ, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ लगाओ, बाकी सब बढ़िया एकदम। और एक एक स्टार्टिंग में भी लगा दें क्या, यहाँ पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी, जिससे क्या होगा ज़्यादा रोशनी रहेगी। एक सेकंड ट्राई करते हैं। बहुत सही, इधर तो जल रही आग, इधर भी जल रही आग, इधर भी जल रही आग। ओ मेरे पे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। ओके, तो कोई कुछ इस तरीके से लग रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ जलाओ,
कुछ इस तरीके से लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा वाला लुक आ रहा है, मतलब सही में देख रहे हो क्या प्यारा वाला लुक आ रहा है। एंड अभी टॉर्च और लांटेन लगाना बाकी रह गया है, तो मैं टॉर्च और लांटेन भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। रात हो चुकी है, रात में मेरे पे कोई अटैक वगैरह ना कर दे, पर इसको भाई बनाने में सही में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लुक देखो यार, एक बार लुक देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। मैं इसके अंदर भी ऐसे आग लगा सकता हूँ, पर होगा क्या, ये जो मैंने कारपेट बिछा है इसके अंदर आग जल जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे लगाने वाला नहीं हूँ, मतलब इसमें आग नहीं जलाऊंगा, ये ऐसे ही लगे रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्यारा वाला लुक दे रहा है। सिंहासन पर एक बार नज़र डालो यार, देख रहे हो ऊपर तक कितना प्यारा मैंने बनाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई है इसे बनाने में सही में। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और भाई शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। बाकी मैं थोड़ा सा और काम यहाँ पे कर देता हूँ, टॉर्च वगैरह लांटेन वगैरह लगा देता हूँ, तो उससे पहले मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी है और मैं रात में जाना नहीं चाहता, तो फटाफट से सो जाता हूँ। ओके तो गाइज मैं टॉर्च और लांटेन दोनों लेके आ चुका हूँ और भाई मेरा कासल का भाई ये देख रहे हो सिंहासन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब दिन में भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ यहाँ सब मैं कारपेट लगा दूँ और धीरे धीरे अपने पूरे कासल को अपग्रेड कर दूँ। तो आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे इसे अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी जो मैं टॉर्च और लांटेन लेके आया वो मैं फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसको करो ऊपर क्योंकि इसको अभी इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को। तो मैं इसे कहाँ कहाँ पर लगा सकता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ लगा सकता हूँ ना, बहुत सही। अबे आग ना चल जाओ, अरे अरे आग में ना चल जाओ, मैं बच गया बच गया बच गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो मैंने काफ़ी सही तरीके से इसका यूज़ किया है, एक मिनट रुको, इससे दूर रहना पड़ेगा अपने को, इसके अंदर आग चल सकती है। ओके तीन लगा सकते हैं क्या, पर यहाँ पे सही नहीं लग रहा इतना, इसको यहाँ से हटाओ। एक काम करते हैं लांटेन को हम लोग यहाँ से लगाएं क्या, रोशनी के लिए, थोड़ा ज़्यादा रोशनी के लिए। तो अभी हमारा सिंहासन पूरा रेडी हो चुका है, मतलब यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। सो गाइस ये है भाई मेरा नया सिंहासन जो मैंने अपने कासल के लिए बनाया, एंड देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब फाइनली, मतलब देख रहे हो पूरा बनके रेडी हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने प्रॉपर लगाई है। इसको बनाने में करीब 3 से 4 घंटे लग चुके हैं, पर मतलब बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही भाई माइनक्राफ्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।